इनको छोड़ के मैं नहाने गई थी और ये अपना मुंह कैसे कर लिए हैं देखिए, और अभी कंघी कर लिया वो भी आलता से। इनका हाथ देख करके आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। क्या की हो आद्या ये तुम? हाँ ओए लिपस्टिक लगाना तुमको इतनी छोटी में। अब ये खड़ी हो रही है। अच्छा हुआ इसका हैंडल यहाँ पे। आज मेरे को बहुत सारा सफाई करना पड़ा कि ये मिरर भी एक्चुअली ये कुछ साफ हुआ ही है ना, तो उस पर वो लग गया। और आज बेडशीट चेंज करूँगी, अलमीरा थोड़ा सेट करना है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सेट करना है। और इस वॉल को सोच रहे हैं चेंज कराने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका कलर ना थोड़ा पर्पल टाइप का है, लेकिन ये बहुत ओल्ड वाला लुक दे रहा है, विंटेज टाइप वाला। तो इसको सोच रहे हैं ऐसे वाइट चेंज करा लें, क्योंकि इस वजह से रूम थोड़ा छोटा भी लगता है। और देखते हैं फिर क्या कराएंगे। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दी गिफ्ट दिखा दो, गिफ्ट दिखा दो। तो गिफ्ट तो मेरा ट्रॉली ही अभी नहीं खोली, अभी ट्रॉली खोलूँगी और ये सारे बुक्स यहाँ से हटाने हैं मुझे। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। उसमें छुटकी का कपड़ा है और नीचे लड्डू का है, तो सोच रही हूँ इन लोग का कुछ ऐसे सेट करूँ कि लड्डू का ये कंपार्टमेंट रहे और छुटकी का वो रहे, इसका बुक यहाँ रहे, छुटकी का बुक वहाँ रहे, और ये सब क्लीन करूँ यहाँ से। मैं आई तो छुटकी जी भी यहाँ आ गई हैं। इनको मैं बड़ा में दिखा नहीं सकती, पैंट नहीं पहनी है। ये कंबल वंबल सब फोल्ड करके भी हटाऊंगी यहाँ से। इस रूम के लिए बेड लाना है हम लोग को, मतलब वो बेड इस रूम में आ जाएगा और इस रूम के लिए दूसरा बेड हम लोग लेंगे। तो अब यहाँ पे इनको कुछ मिल रहा है, मतलब मैं जहाँ रहूँगी वहाँ ये रहेंगी। तो चलिए पहले अपना गिफ्ट ये ट्रॉली अनबॉक्स करते हैं। एक ट्रॉली तो खुल चुका है बिकॉज इसका सारा सामान ड्राई क्लीनिंग के लिए जा चुका है, तो इसको साइड कर देंगे। उसमें छुटकी का कुछ कुछ कपड़ा रखें, वो सब आपको दिखाते हैं। और कौन कौन सा कपड़ा मैं लेके आई हूँ, क्या लाई हूँ, वो सब दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो इस पे का बेडशीट मेरे को चेंज करना है, तो बेडशीट को ये काम करते हैं ऐसे ही रहने देते हैं और इधर अनबॉक्स कर लेते हैं ट्रॉली को, और यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये बेडशीट चेंज ही करूँगी, तो इसमें से जो भी गंदा निकलेगा बेडशीट ही गंदा हो, वरना गद्दा गंदा हो जाएगा। तो ये चेंज करते हैं। चलिए ये ट्रॉली ऑलमोस्ट खाली है, तो पहले इसको ही खोल लेती हूँ कैमरा को एक जगह लगा के। तो यहाँ लगा दिया है कैमरा। सबसे पहले छुपुंकड़ी तुम पैंट पहन लो। चलिए आ बैठिए यहाँ पे। ये ट्रॉली ऑलमोस्ट खाली है, इसमें कुछ नहीं है, नहीं ये बस कुछ देख रहे कुछ है। ये खाली है, कहाँ जा, कहाँ जाना है, कहाँ रास्ता ब्लॉक है। यहाँ देखो कितना कवर है, यहाँ देखो, यहाँ देखो आदिया, यहाँ देखो, ये करो ओके सर। तो आदिया को तो मैं लगा चुकी हूँ उसके जगह पे कि भाई तुम जाओ और जाके, और ये ट्रॉली जो है ना वो ऑलमोस्ट खाली ही है, बस कुछ कुछ आ गई, दो 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 मंगाओ भी दो। इसमें तो पहले ऊपर ही कुछ कपड़े रखे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें रखे हैं गिफ्ट आ जाती है, ये देखिए कितना प्यारा सा हेयर क्लिप है, और ये आद्या के शूज जो बजे पे आद्या ने पहने थे, आद्या के कपड़े, भैया के कपड़े, मैं ये लड़की पहन नहीं पाई, मैं लेके देखी मेहनत से गई यहाँ पे। बट इसमें क्या है, ये मम्मा का है, मम्मा भी नहीं पहन पाई थी, मुझे तो लगता है मेरा आधा कपड़ा छूट गया, ऐसा मुझे लग रहा है। ये लड्डू के कपड़े लेके गए थे, बट लड्डू ये पहला अनबॉक्सिंग ऐसा होगा जिसमें छुटकी अनबॉक्सिंग कर रही है। तो यहाँ पे कुछ कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि सिल्वर इन सब के हैं, और शाश्वत भाई और जिया ने दिए हैं, और काजल मिथुन भाई ने दिए, मतलब जिन लोगों का भी है। तो जो मैं ले के आई हूँ ज्वेलरी या जो कुछ भी, तो ये मुझे आई थिंक मेरी आंटी ने दिया है, या चांदनी जी भी दे सकती हैं, ये चांदनी जी ने भी दिया था, पता नहीं वो मैं ले के आ पाई हूँ कि छोड़ दी हूँ। चांदनी जी वाला ये आंटी वाला है शायद। इसी के साथ दो चीज़ें यहाँ पे मेरे ससुराल का भी है, वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि सबको ये लगता है भाई ससुराल वाले कुछ नहीं दिए हैं। तो ये निक्की के तरफ से है, ना आते हुए भी निक्की ने मेरी बेटी के लिए भेजा या बोला कि
आंटी आप कर दीजिएगा। और ये बहुत ही सुंदर, ये मम्मी के पसंद का है, तो ये देख सकते हैं, मतलब ये ऐसा है कि मेरे को मन कर रहा मैं ही पहन लूँ। यहाँ देख सकते हैं, मैं ना पास से दिखा दूँगी और ये निकी के तरफ से आया था, जिसका मुझे एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि उसने विश तो कर दिया था, उतना ही काफ़ी था, निकी ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और अभी आप लोग सब लोग प्रे कीजिएगा कि निकी का जो तबीयत है ना वो पूरा अच्छे से रिकवर हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो चुकी है। और ना ये दिन कभी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, जब एक बार उम्मीद दे देते हैं ना तो उसको प्लीज़ भगवान जी से यही प्रे करूँगी कि अच्छे से रखें। चलो जो भी है, भगवान जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और निक्की थैंक यू सो मच। मैं पहना देती हूँ वो वाला जो निक्की के तरफ से था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसमें मम्मी का भी पसंद है और है भी बहुत छोटा है। तो अब अगर नहीं पहनाया तो मेरा तो दूसरा कोई अब बेबी होने वाला है नहीं, यही। और मेरा लिपस्टिक आज बहुत ही न्यूड शेड लगा है, तो जैसा कि आप लोगों को पसंद आता है, हमें तो उतना नहीं आता, बट जो भी है लगाया है मैंने। ये पहनो ये वाला, आद्या बोली मुझे चाहिए, मैंने जो पहना था वो चाहिए मुझे, तो ये मम्मी पहना दे। अरे वाह चंद्रू, रुको, निकलेगा तो नहीं, नहीं निकलेगा। चलो ये भी पहना देती हूँ मम्मा, इस हाथ में पहन लो ये। अरे वाह मेरा सुंदरा बच्चा, थोड़ा ये टाइट कर दे मम्मा। और ये भी बता दो कि छुटकी अभी नहाई नहीं है, इसलिए वो ऐसी दिख रही है, क्योंकि यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए थोड़ा वेट कर रही हूँ कि धूप ऊप निकल जाए अच्छे से, तब नहाएगी वो। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, वैसे सुबह ही मालिश करके उसका ऑलरेडी कपड़ा वपड़ा चेंज किया था, बट इतना आजकल ये घूमते फिरते रहती हैं कि आप लोग देख ही सकते हैं कि अपने शक्ल को क्या बनाई है, लेकिन क्यूट लग रही है, रेड लिपस्टिक जैसा लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है इनके हाथ में, फिलहाल तो अपना हाथ ये रंगी हुई है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। इनको डब्बे के साथ खेलना है तो इनको खेलने देते, लो लो लो, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, सब ले जाओ, ले जाओ, लो ले जाओ। तो ये बहुत ही प्यारा सा था, और साथ ही साथ यहाँ पे जिया और सासक भाई के तरफ से मिला है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर पर्पल पर्पल इस पे डिज़ाइन बना हुआ है। मैं यहाँ दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा है। और ये थोड़ी सी छुटकी ना बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको पहनाऊँगी, क्योंकि अभी तो उसके हाथ में ये बहुत लूज़ होगा, तो ये मैं लेके आई हूँ, ये रहा, ये थोड़ा लूज़ है, तो इसको मैं पहनाऊँगी जैसे ही वो बड़ी हो जाएगी, आई थिंक एक साल के बाद। अभी फ़िलहाल वो अपने कड़ा को निकाल लेके चक्कर। तो थैंक यू सो मच जिया एंड सासुर भाई, बहुत सारा थैंक यू। आप लोग आए, अपना फंक्शन इतना पास में था, फिर भी वो देखते हुए आप लोग आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि लास्ट टाइम तक वो था कि हाँ ना हाँ ना, एंड जितना भी हो सका मुझसे मैंने किया, कुछ कुछ चीज़ें रह गई, तो उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, दिल से आप लोग आए हमारे घर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक ड्रेस भी दिया था, वो भी मैंने देखा है, ये काजल और मिथुन भाई का है, काजल को मैं काजल ही बोलती हूँ, तो यहाँ पे लिखा है काजल एंड मिथुन कपल लाइफ व्लॉग। तो मैं चैनल के नाम से तो बाद में जानी हूँ, पहले नाम से ही जान गई थी, बाद में चैनल पता चला कि आपका कुछ चैनल है। तो ये एक बोलते ना हाथ वाला ऐसे रिंग में लगा के और तब लगाने वाला, मैं डिज़ाइन दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ है, बहुत ही सुंदर है ये भी, लेकिन ये भी थोड़ा बड़ा है, तो छुटकी बड़ी होगी तो किसी फंक्शन वगैरह में पहन लेगी। अब तो उनके मामा उमा का शादी जा चुका है, लेकिन बहुत जल्द कभी ना कभी तो पहनेगी ही ऑब्वियसली। तो ये मेरे पास है, और ये जो चाची वाला कड़ा ना, ये भी थोड़ा बड़ा है,
इसके बाद मेरे ससुराल से मिला था ये, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आई आद्या, ये लो, ये मेरे भैया भाभी ने दिया है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये पायल मुझे मिला है, जो कि छुटकी थोड़ी बड़ी होगी 3-4 साल की, तब वो पहन पाएगी। फिलहाल उसका लाल लिपस्टिक कैसा लग रहा है। ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए नहीं पहनोगी, बस लिपस्टिक लगाओगी। चम 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 लिपस्टिक लगा के इसका मुंह लाल हो गया। तो ये भैया भाभी ने दिया, तो थैंक यू तो क्या ही बोलूँ, अपने घर की बात है, बट थैंक यू फिर भी। और एक और चीज़ मेरे ससुराल से मिला था, वो है ये, जो कि छुटकी का चेन है, वैसे हम भी पहन सकते हैं वैसे भी लड्डू का चेन भी हम ही सदा रहे थे, तो ये छुटकी के लिए चेन दिए दादाजी। तो यहाँ छुटकी के लिए मिला है चेन, और इसकी नानी का गिफ्ट तो नानी के पास ही रख के आ गया, मतलब छूट गया है। तो यहाँ पे चेन दिया है, बट चेन मैं पहनाऊंगी नहीं इनको, लेकिन खुद पहन सकती हूँ मैं, वैसे तो बड़ी होगी तो पहनेगी, मैं नहीं पहनूंगी, मेरे पास खुद का मेरी मम्मी दी है तो वो है ये, लेकिन इसका जो हाइट है वो बड़ा है। ऐसा कुछ है, इतना बड़ा है ये चीज। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है ये, कुछ ऐसा है। तो जो लोग बोलते हैं कि ससुराल से कुछ नहीं मिलता क्या, या ससुराल वाले नहीं मानते, तो मेरे ससुराल वाले पता है ये नहीं भी देते ना तो भी मेरे लिए बहुत था, क्योंकि बस है, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो कम शब्दों के साथ, ये नहीं भी देते तो भी आप लोग मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने हो। और पता नहीं तुम किस किस का डब्बा निकालते जा रही हो। हाँ, ये आया है ना दादा दादी, दादा बड़े पापा और बड़ी मम्मी की तरफ, ये रहा भाई, इसको पायल चाहिए। तो यहाँ भैया भाभी का गिफ्ट मैं रख देती हूँ इसी के साथ। चलिए, एक गिफ्ट और रह गया, और यहाँ पे और था, वो भी दिखा देती हूँ। आई होप ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हुआ हो, ना लंबा हुआ होगा। ये है प्रिंस और भैया का गिफ्ट, जो कि मैं लेके आई हूँ क्योंकि एंड मोमेंट में मेरे हाथ में दे दिया गया था। इसी के साथ यहाँ एक और बेरा है, देखिए किसकी तरफ से है, हम उठा के लेके आ गए हैं। नाम कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही सुंदर सा बेरा है, देखिए कितना प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा है। चिट्ठी, मेरे को सिंपल चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। उसके बाद अगेन इस पे नाम नहीं है, हाँ सॉरी। तो ये एक मेरी चाची का था, और एक ये जो है वो ब्यूटी जी दी हैं, जो कि बहुत ही सुंदर, ये भी निस्नू टाइप का बेरा है, जो बहुत जल्द मेरी छुटुंगड़ी दास पहनेंगी। ए पायल हाथ में थोड़ी पहनते बेटू, इनको पायल का वो झुमझुम झुमझुम बज रहा है ना, तो उनको अच्छा लग रहा है। सब डब्बा चाहिए भाई इसको, सारे डब्बे को हटाऊं मैं, वरना तो भाई। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी ननद जी ने मेरे को दिया था ये सुंदर सा पायल, जो मैं पहनती थी बचपन में, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है ये, ऐसा है, बहुत ज़्यादा हैवी है वैसे ये,
तो ये कुछ ऐसा है पूरा घुंघरू, मतलब हम भी ऐसे पहनते थे। मेरे पैर में तो आएगा नहीं, लेकिन जब छुटकी 10 साल की होगी या 5-6 साल की होगी ना, तब उसके पैर में आ जाएगा आराम से। ये ऐसा है, तो ये बहुत ज़्यादा घुंघरू वाला है, मुझे तो बहुत पसंद है घुंघरू। सिंपल हो, थोड़ा सा बजे तो अच्छा लगता है। मैंने अभी भी बहुत सिंपल पहना है। तो या और बहुत सारे लोग अब परेशान हो चुके हैं कि खाली गिफ्ट 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 व्लॉग गिफ्ट व्लॉग, तो गिफ्ट ही इतने पड़े थे कि एक व्लॉग में एंड ही नहीं हो सकता था, जबकि आधा आधे घंटे का भी व्लॉग बना डाला है मैंने। बट कुछ कर नहीं सकते, इसको अंदर डालते हैं ना आद्या, आदू मेरा बादू। तो इन सबको रख देते हैं, नहीं सारे कड़े को अलग अलग रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चांदी अपना कलर छोड़ देती है, तो इसको रखते हैं। बाकी जल्दी से कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट होगा जितना ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। जैसे ही इस वीडियो को क्रॉस करेगा 1 लाख तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो बोलते हैं जैसे ही ये 70,000 वीडियो क्रॉस करेगा, तब जा कर के आएगा मेरे भैया और प्रिंस ने जो गिफ्ट दिया है वो, तो बहुत जल्द आएगा। वैसे 70,000 हो ना हो, आप लोग इतना ज़्यादा वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आएगा। और वो मैं स्पेशली खोलना चाहती थी, इसीलिए सारे गिफ्ट्स के साथ नहीं खोले। बाकी सारे गिफ्ट्स बहुत मायने रखते हैं। ये कड़ा कितना सिंपल है, लेकिन बहुत सारा लग रहा है। आद्या तुम बदमाशी कर रही हो, देखिए गाइस मैं क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, क्योंकि जो रख रही हूँ वो ये खोलना ही चाह रही है। तो ये सब मैं रख देती हूँ, अब मैं जो रखूंगी वो ये खोलेंगी। तो इनको तो बाय बाय, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। एंड आई होप ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा, तो जो कपड़े वाला ब्लॉग है वो भी इसमें ही डाल देंगे कि कौन कौन से कपड़े मैं लेके आई हूँ। आद्या अब आद्या को मेरे गोद में रहना, खेल ली बहुत ज़्यादा। चलो चलो चलो, बैठो बैठो बैठो।